सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएचडीएच कोलकाता। सो गाइस, आज का वीडियो में ये काइंड ऑफ ब्लॉग टाइप का बोल सकते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको अपना कॉलेज दिखाने वाला हूं, सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि हमारा हॉस्पिटल बिल्डिंग्स कैसे है, हमारे एकेडमिक बिल्डिंग कैसा है, हॉस्टल्स कैसे है, इस सब आपको आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। वैसे मैं अपने कॉलेज का कैंपस टूर कर चुका हूं ऑलरेडी, कुछ महीने पहले मैंने किया था। आप इसे बोल सकते हो कि ये उसका पार्ट टू है, क्योंकि पार्ट वन में मैं हर चीज को अच्छे से कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज में नया था तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो जितना मुझे पता था मैंने किया था। इस वाले पार्ट में मैंने ट्राई किया कि जितना भी कुछ है हमारे कॉलेज में बाहर से जितना दिखता है आपको, वो सब कुछ मैंने कवर किया आपको दिखाने का। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी जस्ट WBMCC का आपका राउंड वन का काउंसलिंग खत्म हुआ है, सो जिन स्टूडेंट्स को भी कॉलेज अलॉट हो गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और जिस स्टूडेंट्स को भी सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज मिला है, आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, लेट मी नो कि मेरे जूनियर्स कौन है। तो जो भी सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आप लोग तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना, ताकि आप लोग पता चल सके कि आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ने वाले हो वो क्या क्या चीज है उसके अंदर, वो कैसा दिखता है, सो यू गेट अ बेटर आइडिया। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आप चैनल की तरफ से कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस ना कर पाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको नीट रिलेटेड और एमबीबीएस रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। So, without any further delay, let's start this video, guys. तो गाइस, यहाँ पे ये एक आपको मेडिसिन शॉप दिख रहा है, जो कि आपको कॉलेज के मेन गेट पे है। और ये जब हम कॉलेज गेट से अंदर एंटर करते तो थोड़ी ही दूरी में ये एक गैस प्लांट है यहाँ पे। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है, तो ये उन्हीं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए उनका एकेडमिक बिल्डिंग है। और ये जो आप व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हो, ये नर्सिंग स्टूडेंट्स का हॉस्टल है। ये नर्सिंग बिल्डिंग से कुछ ही पहले यहाँ पे एक गवर्नमेंट मेडिकल शॉप है, यहाँ पे बहुत ही लो प्राइस में आपको मेडिसिन मिल सकते हैं, और यहाँ कुछ दवाइयाँ तो यहाँ पे आपको फ्री में भी मिलते हैं। और ये कॉलेज का ब्लड बैंक है। हमारे कॉलेज में दो जनरल स्टोर है, एक जनरल स्टोर है मदर डेयरी कलकत्ता, जो कि है आपका गैस प्लांट के जस्ट सामने, और दूसरा हमारा जो जनरल स्टोर है वो आपको ये दिख रहा है, जो ग्रीन बिल्डिंग दिख रहा है छोटा सा, ये दूसरा जनरल स्टोर है। यहाँ पे आपको कुछ भी सामान मिल सकता है, जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज इज द पॉन्ड्स हियर। तो ये एक ऐसा पॉन्ड है जो कि जस्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग के सामने दिखता है हमारे। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब लाइट्स जब रात को जलते कोई भी, तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन पॉन्ड में दिखता, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये कॉलेज का OPD बिल्डिंग है, जो कि जस्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग के सामने है।
और ये तीन ब्लू बिल्डिंग्स जो आप यहाँ पे देख रही है सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं। जैसे हम लोग कॉलेज कैंपस के अंदर एंटर करते हैं तो एकदम हॉस्पिटल बिल्डिंग का जो एकदम फ्रंट व्यू होता है वो हमें ऐसा दिखता है एकदम, जो कि पॉन्ड के सामने है। और ये जो आपको दिख रहा है ये हॉस्पिटल बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू है जो कि हम लोग को दिख सकता है एकेडमिक बिल्डिंग के साइड से और हॉस्टल्स के साइड से। और ये है सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर स्टूडेंट सभी का क्लासेस यहीं पे होता है। और ये एकेडमिक बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू है जो कि हम लोग को हॉस्टल की तरफ से दिखता है। और ये डॉक्टर्स कैंटीन है जो कि जस्ट एकेडमिक बिल्डिंग के साथ ही अटैच्ड है। और ये हमारे कॉलेज का कैंसर बिल्डिंग है। जब मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब ये कैंसर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट अभी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है लेकिन अभी ये पूरा फंक्शनली एक्टिव नहीं है। We'll be right back.
और ये कैंसर बिल्डिंग के जस्ट राइट साइड में हमारा इंट्रेंस हॉस्टल है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं इंट्रेंस हॉस्टल में। और ये हमारे कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तक सभी यहाँ पे ही रहते हैं। और ये हमारे कॉलेज का है गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज द कैंटीन ऑफ आवर कॉलेज। और ये कॉलेज का दूसरा कैंटीन है जो कि आपको मैंने पहले वाले कैंटीन दिखाया था उसी के जस्ट बगल में है, दीवार से सेपरेटेड है दोनों कैंटीन। Down the
दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो चैनल के तरफ से मिस ना कर पाओ। और वैसे अगर आपकी कोई भी डाउट्स अगर काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर किसी और भी चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और आपको फ्यूचर में कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। सो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी डाउट्स था वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका जनरली आपका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सो गाइस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।